नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का सोशल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। 5 राज्यों के फाइनल रिजल्ट से पहले ऐसी धमाकेदार खबर सामने आई है जिसने मोदी सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं। जिस ईडी के जरिए मोदी विपक्षी नेताओं को टॉर्चर करते थे, उनके खिलाफ केसों की लंबी फहरिस्त तैयार करते थे, अब वही ईडी सवालों के घेरों में घिरती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसके सबूत आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। मोदी सरकार की चाटुकारिता करने वाले अधिकारी खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जिसकी वानगी हाल ही में देखने को मिली है, जिसने दिल्ली में बैठे पीएम मोदी तक की कुर्सी को हिलाकर रख दिया है। दरअसल चुनावी रिजल्ट आने में चंद घंटों का जो है वक्त अब रह चुका है, जिसमें मोदी सरकार को करारा झटका लगने की पूरी उम्मीदें जताई जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच ही ईडी के तरफ से एक धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है। ईडी के अधिकारियों को रिश्वतखोरी के चलते पकड़ लिया गया है, जिसके बाद से मोदी सरकार के माथे पर कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें खींचती हुई भी दिखाई दे रही हैं। रिजल्ट आने से पहले ईडी के अधिकारी का इस तरीके से रिश्वतखोरी मामले में पकड़ा जाना कोई दोस्तों मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी चिंता की भी बात है कि जिस तरीके से ईडी के अधिकारी रिश्वतखोरी के मामले में पकड़े गए हैं। लेकिन ये खबर आपको गोदी मीडिया नहीं चलाकर दिखाएगा, क्योंकि उनकी चाटुकारिता में कमी आ जाएगी अगर उन्होंने ये खबर चला के दिखा दी तो। हालांकि हम आपको पूरी खबर सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ईडी के अधिकारी को जो है धड़ दबोच लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भी हम आपको सारी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी को कथित तौर पर 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यानी ईडी के एक वरिष्ठ बड़े अधिकारी को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, और रिश्वत भी छोटी मोटी नहीं बल्कि 20 लाख रुपए की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भी आपको जानकारी देते हैं, विजिलेंस और एंटी करप्शन की मुदरे ब्रांच ने 1 दिसंबर की मध्य रात्रि को डिंडीगुल मदुरै हाईवे पर ईडी के अधिकारी अंकित तिवारी को पकड़ लिया। यानी जो अधिकारी पकड़े गए हैं उनका नाम अंकित तिवारी है जिसको पकड़ा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अंकित तिवारी पहले गुजरात और मध्य प्रदेश में काम कर चुके हैं। तिवारी को कथित तौर पर तब पकड़ा गया जब रिश्वत की पेशकश करने वाले व्यक्ति ने विजिलेंस अधिकारियों को सतर्क कर दिया। तो देख सकते हैं कि सिस्टम में बैठे लोग किस तरीके से रिश्वतखोरी कर रहे हैं। बता दें कि ये गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई जब ईडी सक्रिय रूप से तमिलनाडु के मंत्रियों और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मामलों की जांच कर रही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे में जांच के बीच रिश्वत का पकड़ने का कनेक्शन क्या हो सकता है, हमें बताने की भी जरूरत नहीं है। मामला जैसे ही लाइमलाइट में आया तो सोशल मीडिया पर लोगों ने जो है सवालों की झड़ी लगाकर रख दी। कांग्रेस नेता अलका लंबा द्वारा भी ट्वीट किया गया है और सरकार पर खुले तौर पर निशाना साधा गया है। यानी आम सी बात है, जब भी सरकार ऐसी चीज़ों में लिप्त पाई जाएगी, ऐसी सरकार में ऐसी सिस्टम में ऐसी चीज़ें होंगी तो सरकार विपक्ष का जो है सरकार को घेरना लाजमी है। तो इसी पर अलका लांबा घेरते हुए लिख रही हैं कि मोदी जी की ईडी के रिश्वतखोर अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों राजस्थान की पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था। # मोदी है तो मुमकिन है, ये ट्वीट अलका लांबा द्वारा किया गया। एक अन्य यूजर ने सरकार पर सवाल भी दागे और लिखा है कि सोचिए, इनको जब हमारा पुलिस पर से भरोसा उठ जाता है तब हम ईडी सीबीआई का सहारा लेते हैं, लेकिन इनकी हरकतों से तो भरोसा उठता जा रहा है। यानी पुलिस पर से भरोसा जो है जब उठ जाता है तो अगला ऑप्शन जो होता है वो ईडी और सीबीआई होता है, लेकिन ईडी सीबीआई ऐसा करेंगे तो किस पर भरोसा किया जाए? सारा भरोसा लगातार उठता जा रहा है। मोदी सरकार में ईडी के अफसर किस तरह से देश में करप्शन बढ़ा रहे हैं वो आपके सामने है। हमने आपको खबर में जो दिखाया पूरे सबूतों के साथ दिखाया, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे रिश्वतखोर लोग जो सिस्टम में बैठकर समाज को खराब कर रहे हैं और सिस्टम को भी पूरी तरीके से बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कुछ कहना है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सोशल न्यूज को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।